नमस्कार, टॉपिक ऑन डिमांड में आपका स्वागत है। और आपने जो प्रश्न किया था मुझसे कि शक्करशाला और सेतु विद्यालय क्या होते हैं, तो शक्करशाला और सेतु विद्यालय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है। शक्करशाला, जैसे कि नाम से आपको दिख रहा है कि इसमें शक्कर है, तो शक्कर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो चीनी या शक्कर से रिलेटेड होगी। तो ये ऐसे विद्यालय होते हैं जो गन्ना काटने की बस्ती के आसपास खोले जाते हैं, क्योंकि माता पिता गन्ना काटने के लिए कई माह तक वहाँ डेरा डालते हैं। ऐसे बच्चों के लिए शक्करशालाएँ खोली जाती हैं ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई में कोई अड़चन ना आए। अर्थात जब भी आपके गन्ना कटाई का समय आता है तो उस समय काफ़ी दूर दूर से लोग आके वहाँ पर बस जाते हैं, तो ऐसे में उनके बच्चे होते हैं और हो सकता है कि उन बच्चों की पढ़ाई पर दिक्कत है। तो क्या किया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से या किसी एनजीओ की तरफ से ऐसे मतलब ऐसे शक्करशालाएं खोली जाती हैं स्पेशली उन बच्चों के लिए जो गन्ना कटाई, जिनके पेरेंट गन्ना कटाई में लगे होते हैं, तो उन पेरेंट्स के बच्चों के लिए स्पेशली वो विद्यालय खोले जाते हैं। उनके विद्यालय की जो शिक्षा होती है उसको पूर्ण कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपने पूछा था सेतु विद्यालय, तो सेतु विद्यालय क्या है? सेतु विद्यालय वह विद्यालय है जो सत्र के बीच में विद्यालय छोड़ देते हैं, उनके पुनः पंजीकरण हेतु उसको स्थापित किया जाता है। मतलब सेतु क्या है? एक ब्रिज होता है। ब्रिज क्या? आपके दो किनारे हैं उसको जोड़ने के लिए। अर्थात आप पढ़ रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो जैसे सत्र का एक पूरा सत्र है, उसके बीच में आपकी क्या होगी, गैपिंग हो गई। ठीक है, तो उस गैपिंग के फुलफिलमेंट के लिए पुनः पंजीकरण के उद्देश्य से सेतु विद्यालय का निर्माण या उसकी स्थापना की जाती है। ऐसे बच्चों के लिए 45 दिन तक कक्षा से अलग विद्यालय चलाया जाता है ताकि शिक्षा पूरी करने का अवसर प्रदान किया। जैसे उनका मतलब जो कोर्स उनका छूट जाता है ना, तो उस छूटे हुए कोर्स को पूरा कराने के लिए स्पेशली 45 डेज का उनका अलग से क्लासेस लिया जाता है, और जो चीज़ें उनकी छूटी होती हैं उनको फुलफिल करके यहाँ पे उनकी विद्यालय शिक्षा को पूरा कराया जाता है। अर्थात ये दोनों ऐसे आपके पॉइंट हैं जो वो विद्यालय, जो निर्विद्यालयकरण आपका एक कॉन्सेप्ट है कि बिना विद्यालय के भी शिक्षा हो सकती है, उससे हटके है कि नहीं, विद्यालय ज़रूरी है। यहाँ पे ऐसे जो बच्चे जो किसी प्रकार से वंचित हो जाते हैं उनकी शिक्षा के लिए, जैसे अगर जिनके माँ बाप शक्कर गन्ना कटाई में हैं उनके लिए, या जो बीज सत्र में छोड़ देते हैं। अब देखिए, बीज सत्र में वो भी छोड़ सकते हैं जो गन्ना कटाई में, लेकिन स्पेशली गन्ना कटाई के लिए, जिन गन्ना कटाई वालों के लिए जो विद्यालयों का निर्माण किया जाता है वो शक्करशाला है। लेकिन अन्य भी किसी अड़चन के द्वारा अगर किसी भी कारण से बीमार हो गया या कुछ भी हो गया, अगर बीच में उनका सत्र छूटने लगा, गैपिंग आ गई, तो उनके लिए जिस विद्यालय का निर्माण किया जाता है वो होते हैं सेतु विद्यालय।